हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक स्टूडेंट बोल रहा हूँ। सर मेरे को ये जानना था, मेरे को सर आरआरसी ग्रुप डी का मैंने फॉर्म सही से भरा था और फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो गया, तो मॉडिफिकेशन लिंक कब तक मिलेगा? मॉडिफिकेशन तो आप लिंक देखिए, अगर देता है तो मॉडिफिकेशन हो सकता है सर। तो वही सर, प्लीज सर ये बता दीजिए सर कि कब तक मिल सकता है। कोई डेट वगैरह नहीं है उसका, लिंक देगा भी नहीं भी दे सकता है सर। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर, प्लीज चाहिए सर। फॉर्म सही भरा है सर, तो हम सब नहीं कुछ कर सकते हैं ना। नहीं सर, आप जैसे सर रेलवे में ही होंगे ना, रेलवे का अथॉरिटी होंगे ना, तो आप सब बात करिए सर थोड़ा। और इस ऑफिस से नहीं होता है, सारा एजेंसी के थ्रू हो रहा है। हाँ वो तो एग्जाम जैसे सर टीसीएस करवाती है, लेकिन आप लोग ही सारा कंडक्ट तो आप ही लोग करवाते हो ना। तो मेल कर दीजिए, कोलकाता आरआरबी को मेल कर दीजिए। सर मैंने बहुत सारा मेल सब करके देखा सर, कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो जो है ना आरआरसी करा रहा है, ग्रुप डी का जो है ना। आरआरसी को मैंने कॉल किया है सर, मेल वगैरह सब कर दिया सर, कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो लिंक देगा उसके बाद आप तो कीजिए। वही सर, प्लीज सर, अभी तक कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया सर। अप्रैल में मंथ में सर एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो वही सर बहुत टेंशन हो रहा है ना। यहाँ से कुछ नहीं किया जा सकता है आरआरसी के बारे में, ग्रुप डी तो आरआरसी दे रहा है। यस सर, तो वही सर मेल सब किए हैं सर। तो आप तो सर रेलवे की अथॉरिटी है ना सर, रेलवे में ही है ना सर। आप यहाँ से नहीं होता है, उसका डिपार्टमेंट अलग है ना। अच्छा, तो मतलब सर, और मैंने ये सर जैसे आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये नंबर निकाला है सर। हाँ, तो मतलब नंबर तो यही दिया हुआ है सर। तो रेलवे भर्ती बोर्ड का है ना, आरआरसी में आप कीजिए ना, आरआरसी से बात कीजिए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। देखते हैं सर, प्लीज सर।